अरे 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 भाई मेरे भाई, क्या 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 करना क्या चाह रहा है ये बंदा। खुद तो मरेगा, दूसरे को साथ में मारेगा। ये क्या कर क्या रहा है, ये देखो कैसे चला रहा है ये गाड़ी को। वो देखो भाई, ये किस तरीके से गाड़ी चला रहा है यार। उड़ाएगा, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, उड़ाएगा। कैसे चला रहा है यार गाड़ी को। मेरी सांस में सांस नहीं आ रही इसकी। गाड़ी देखते हुए कैसे भगा रहा है ये गाड़ी को। क्या हो गया? हेलो हेलो। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने ले लिया है GoPro Hero 9, और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये कैसे लिया, कितने में लिया, आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा खुलासा करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ मैंने कितने में लिया ये GoPro 9। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये GoPro जो लिया है मैंने लिया है सेकेंड हैंड। बहुत ही कान खोल कर अच्छे से सुन पा रहे होंगे, मैंने GoPro जो लिया है। क्या हो गया? हेलो हेलो। रिएक्शन मिलते हैं, वो अच्छा लगता है यार कोई GoPro पे। अब देखो GoPro लगेगा तो भाई रिएक्शंस तो मिलेंगे ना यार। तो एक्चुअल में मैंने जो GoPro 9 लिया है वो लिया है सेकेंड हैंड, और अप्रॉक्स मैंने जो लिया है वो लिया है, आपके कान नाक सब खुल जाएंगे सुनते ही रेट, भैया 20,000 रुपये में मैंने जो है डील ग्रैब करी है। और 20,000 में मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। GoPro 9 लिया है, केस लिया है, एडाप्टर लिया है, और आपका उलंजी केस लिया है, और तो और एक ब्लॉगिंग स्टिक भी ली है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ली है, और तो और एक माइक भी लिया है। है ना झकास वाली डील। अगर ये सब चीज़ें आप लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट में ख़रीदोगे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 35,000 कहीं नहीं गए आपके। और ये जो GoPro है सिर्फ़ और सिर्फ 7-8 महीने पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरे पास बिल पड़ा हुआ है इसका, बंडल बंदे ने लिया था, अपना चैनल स्विच कर दिया था मोटो व्लॉग से, सो उसने मेरे को सेल आउट कर दिया। और ये मैंने जो ख़रीदा है OLX से ख़रीदा है। आप भी खरीद सकते हैं, बट आपको परखना पड़ेगा उस चीज़ को, अच्छे से डील को देखना पड़ेगा, आप धोखे में ना आ जाओ, ख़राब चीज़ ना उठा लो। अगर ऐसी कोई डील मिलती भी है तो स्कैम में मत फंसना, किसी ऐसे बंदे को साथ में लेकर के जाना जो बंदा इस चीज़ की नॉलेज रखता हो, जो आपको अच्छे से डील दिलवा दे, ख़राब की नॉलेज रखता हो, ठीक की नॉलेज रखता हो। तो थैंक्स फॉर द विक्रम भाई, मैं उनको लेकर के गया था साथ में इस डील के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पहले परखा और उसके बाद जो था हमने उसको परचेज़ कर लिया। बाकी स्कैमर्स OLX पे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हम आपको डिलीवरी दे देंगे। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो भैया उन जैसे स्कैमर्स के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो आपके पैसे भी ले लेंगे और आपको ना तो GoPro भेजेंगे और ना ही आपका दोबारा से फ़ोन वोन उठाएँगे। तो अगर आप सेकेंड हैंड ख़रीद रहे हैं तो आप किसी OLX से भी तो आप OLX से भी ख़रीद सकते हैं, और अपने किसी जानकार जो कोई मोटो ब्लॉगर है या फिर किसी और रिलेटेड से वीडियो बनाता था, उसने GoPro सेल आउट करना है तो उससे भी आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छी डील है। तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा जो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। एंगल किस तरीके का मिल रहा है, वॉइस क्वालिटी किस तरीके की मिल रही है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है, ताकि अगर कुछ कमी पेशी हो जाए अभी भी तो मैं उसको इन्हेंस कर पाऊँ। अभी मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है सेटअप में डाला है अपने, अभी तक के लिए मैंने अभी तक इसके अंदर जो है पाजी मैंने अभी तक जो है इसके इससे एक बार भी मोटो ब्लॉगिंग वीडियो नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम जो है इसकी वीडियो बन रही है। आई होप सो आपको खुशी हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है, और मेरे सारे राइडर ग्रुप्स के बंदों को भी इतनी खुशी हुई थी जब मैंने उनको बताया था। बट हाँ, वीडियो जो आज पहली बार देखने को मिल रही है ना, अब तो तहलका मच देने वाला है भाई, अब जो है तहलका मचेगा और सब में बटेगा भाई, मज़ा आ जाएगा अब वीडियो बनाने का सच में। अब फ़ोन लगा करके एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा ऑड सा फील होता था, मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि फ़ोन जो है कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, गर्दन में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर तक उसको कैरी करेंगे, और
पुलिस वाले भी रिएक्शन थोड़े से गलत लेते हैं, गलत वे में लेते हैं और रोक भी लेते हैं कि भाई ये क्या तुम फ़ोन वोन लगा करके, मेरे को आज तक रोका तो नहीं है, बट फिर भी कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा है और कई लोगों को देखा भी है जिनको वो रोक लेते हैं कि भाई ये क्या ही ऑड चीज लगा करके चल रहे हो, साइड पे लगाओ और हो सकता है वो चलान वालान भी काट दे। तो इस पर अभी तक का तो बच गया, तो इस पर अभी तक का कोई चलान अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, उत्तराखंड में बंद हो चुका है ब्लॉगिंग वगैरह, मोटर ब्लॉगिंग, बट छुप छुप के कुछ लोग अभी वहाँ पर बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं है, तो भैया मौज काटो और वीडियो बनाओ। तो यही खुशखबरी देने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए रेडी करा है। आई होप सो आपको ये छोटी सी मेरी एक खुशखबरी अच्छी लगी होगी। अब करना क्या है आप लोगों ने, भाई मेहनत, आप भाई मैंने इसके अंदर इतना इन्वेस्ट कर दिया। अरे 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 भाई मेरे भाई, क्या 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 करना क्या चाह रहा है ये बंदा, खुद तो मरेगा दूसरे को साथ में मारेगा, ये क्या कर क्या रहा है, ये देखो कैसे चला रहा है ये गाड़ी को, वो देखो भाई ये किस तरीके से गाड़ी चला रहा है यार, उड़ाएगा, ये पक्की बात है उड़ाएगा, कैसे चला रहा है यार गाड़ी को। मेरी सांस में सांस नहीं आ रही इसकी गाड़ी देखते हुए, कैसे भगा रहा है ये गाड़ी को। खैर छोड़ो, ऐसे नमूने आपको रोड पर हर चलते हुए कहीं ना कहीं कोने में दिख जाएंगे। भाई क्या करते हो, मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 95% लोग वीडियो देख करके चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने भाई का, आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अब तो अपडेट धड़ाधड़ मिलने वाले हैं, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलमेट लगाइए, सेफ चलिए और गुड बाय।